हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मेरा मूड बहुत अच्छा है क्योंकि बाहर का वेदर बहुत सुंदर है, जो देख के मेरा मन पूरा एकदम भर जाता है, काम में एनर्जी मिल जाती है जैसे मुझे। इसीलिए आज मेरा मन खुश है और ये मैं वीडियो के शुरुआत में मैं दिखा रही हूँ। और क्योंकि सबको पता है यहाँ पे बारिश हो रहे थे, बस यहाँ पे नहीं सब जगह पे बारिश हो रहे थे, उसकी वजह से जो बारिश की मतलब ये जो धूल मिट्टी है पौधे के ऊपर लगे हुए, ये मैंने बाद में धो दिया था जब वीडियो कर रही थी तब ऐसे था। ये देखो इसमें है फूल आएंगे और इसमें भी, ये मैं आने के बाद देखा और बहुत खुशी हुई मुझे देखकर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। और मेरा घर का सारा काम हो गया है और ये जो कपड़ा था ये कल से सूख रहा है, मैंने पोछा भी लगा दिया, सब कुछ कर लिया और बाकी का बस नहाना बाकी है और कुछ खाना बनाना बाकी है। ये देखो अभी तक किचन नीचे है थोड़ा सा और धूप, तो मेरा ऐसा काम चल रहा है। और मेरा बेड का हालत देखो फ्रेंड, मतलब आप सोच सकते हो सुबह का मैंने सारा काम कर लिया था, पर ये अभी तक शरण्या की आज छुट्टी है तो इस वजह से बेड के ऊपर ही खेलती रहती है। पता नहीं किस मतलब कैसे उसका हाथ थोड़ा सा कट गया, उस वजह से हो गया। नहा लिया? नहीं ना। और ये देखो मतलब अभी तक सारा काम हुआ नहीं है जब से मैं घर से आई हूँ, थोड़ा बहुत हो रखा है। बाहर का नज़ारा तो आप सबको दिखा दिया मैंने और बाहर बहुत ज़्यादा धूप खिल रही है। और ये वाले बेड का, इस वाले बेड का हालत देखो, एक कल का सूखा हुआ कपड़ा है, मुझे टाइम नहीं मिला और परसों का मैंने इसको समेट के रखा था, अभी तक अलमीरा के अंदर जाने का टाइम मतलब रखने का टाइम नहीं मिला। और मेरा खाना बनाना लगभग कम्प्लीट है, बस आलू और करेला का भाजी बना रही हूँ, वो हो जाएगा तो फिर मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। मैंने चावल बना लिया, इसमें चिकन है और फूल के साथ दाल बनाई हूँ आज और ये बन रहा है। अभी खाना बन जाएगा तो फिर मैं पोछा लगाऊंगी, पोछा लगा के फिर खुद नहा लूँगी, फिर मेरा सारा काम कंप्लीट। और उसके पापा जल्दी जल्दी आ गए हैं तो वही नहलाएंगे शरण्या को, ज़्यादातर वही नहलाते हैं तो मेरा कम हो जाता है। तो चलो मेरे साथ वीडियो में बने रहो। उसके बाद मैं आ गई थी मतलब मैं नहाने जा रही थी शरण्या को नहलाने के लिए, बाथरूम में लेके चले गए थे उसके पापा, तो इस वजह से मैं बालकनी में आ गई थी बालों में कंघी करने, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है फ्रेंड, कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, खुद का ध्यान तो दूर की बात, अपने बालों का भी ध्यान नहीं देती हूँ, तो इसीलिए मैं लंबे बाल कभी रखना नहीं चाहती थी, पर क्या करें सबकी डिमांड है, रखना पड़ेगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना और जो न्यू देख रहे थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सब आप सबके प्यार की। तो चलो बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, आप खुश रहना, स्वस्थ रहना, बाय बाय।